डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन रैशनल नंबर में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड के हिसाब से, तो मैं एक बार इसको रीड आउट करता हूँ। हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसके लिए कि हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए बी की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर b की वैल्यू 3 होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पे कि हम क्या मानेंगे कि जो q की वैल्यू है वो बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, और r की जो वैल्यू होगी वो बराबर वो कितनी होगी, 0 से लेके 2 तक, तो 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले भी पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ है कि जीरो की इसकी आर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी बराबर होगी आर की और छोटी होगी 3 से। ठीक है, ओके। और हम इस तरीके से मान सकते हैं, लिखते हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कि जो ए की वैल्यू है या तो वो 3q होगी और 3q प्लस 1 होगी और 3q प्लस 2 होगी। ठीक है, और अगर हम इसे स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग, और क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है डिविजन डायमेंशन टू सो दैट द क्यूब, तो एक्चुअली हमें क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब। ठीक है, सो हम जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर हम इसको लिखें, तीनों को हम अलग अलग लिखते हैं क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम डालते हैं इसको केस 1 कि हमारी ए की वैल्यू क्या है, 3q, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 q q। सिंपल है, फाइन। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 × 3 q³। और ये वाला हमारा क्या ला सकता है, 9 × m, ये 9m, जहां पे कि हम मान सकते हैं कि जे वेयर m इज एन इंटीजर, m की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा केस नंबर 2, अगर a की वैल्यू हमने क्या मान ली, 3q + 1, तो हमारा a q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 27 q³ + b³ + 3ab, सो 3 × 9, सो 9q इन ब्रैकेट 3q + 1, सो वी कैन राइट लाइक 27 q³ + 1 + 27 q² + 9q। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसमें जो ये तीन टर्म हैं, इन तीनों टर्म में हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3q³ + 3q² + q³। ठीक है, प्लस 1, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, एक इंटीजर मान लेंगे। ए क्यूब क्या हो गया आपका, 9 × m + 1, जहां की हमने क्या मान लिया, वेयर m इज एन इंटीजर, क्या मान लिया हमने, m के एक इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ले लेते हैं केस 3 को, किसको ले लेते हैं, केस 3। ठीक है, केस 3 में हमने क्या, हमें क्या लेना है, ए की वैल्यू क्या है, 3q + 2, अगेन क्यूब करेंगे तो
ए क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 9 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू 6, 6 3 जा 18, 18 क्यू एंड 3 क्यू प्लस 2, तो दिस विल बी 9 क्यू स्क्वायर 8 प्लस 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2, दैट मीन्स 36 क्यू. फाइन. तो अगर हम इन सब में सिर्फ 8 को अलग कर लेते हैं, बाकी सब एक तरफ कर लें, तो फिर से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो कितना रह गया यहाँ पे, एक्चुअल में कितना है, 3 3 जा 9 और ये रहेगा यहाँ पे 27 स्क्वायर. ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3 क्यू क्यूब ओके प्लस यह कितना आएगा, 9 कॉमन लिया तो 6 क्यू स्क्वायर ओके, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, यह है आपका कितना, 9 4 जा तो 4 क्यू प्लस 8 आ गया ओके. तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये पूरा पूरा हमारा कितना आ गया, 9 एम प्लस 8. ठीक है, ये आ गया आपकी ए क्यूब की वैल्यू. तो अब हम यहाँ पे ले सकते हैं देयरफॉर, तीनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इसको 2 मान लें और 3. सो बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर कि द क्यूब, हमारा वो स्टेटमेंट जो हमें स्टार्टिंग में प्रूव करना था, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या है, कितना हो जाएगा आपका, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमें प्रूफ करना था. ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अगर एक बार चाहो तो हम फिर से रिपीट कर लेंगे. हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूफ करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप क्यूब करोगे तो वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया उसकी, और बी की वैल्यू कितनी मान ली, 3 मान ली, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए इजिकल टू 3 क्यू प्लस आर. क्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी या बड़ी होगी, पर उससे छोटी नहीं होगी. जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2, बिकॉज वो 0 3 के बीच में लाई करेगी. तो देयरफॉर ए इजिकल 3 क्यू और 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2. पहला केस क्या हुआ, ए की वैल्यू 3 क्यू मान ली तो ये सॉल्व हो गया. दूसरा केस क्या होगा, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ए क्यू इजिकल 9 एम प्लस 1. और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, 9 ए इजिकल 3 क्यू प्लस 2, सॉल्व कर लेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई, हमारी ए की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो हम तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस प्लस और 9m प्लस 8. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.